नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन साहू। हमारे YouTube चैनल अल्टरनेटिव मेडिसिन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे वज्रपात या थंडर स्टॉर्म या आकाशीय बिजली गिरने पर कैसे अपना बचाव करें और सुरक्षित रहें। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के मनगटा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 6 स्कूली छात्र और 2 अन्य व्यक्तियों समेत 8 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, इसलिए यह जानकारी सभी के पास होना जरूरी है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आकाशीय बिजली होती क्या है। जब समुद्र से पानी वाष्प बनकर बादल बनकर ऊपर चले जाते हैं और विपरीत विद्युत आवेश के बादल, जैसे कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश वाले बादल आपस में जब टकराते हैं तो उससे चिंगारी पैदा होती है, बिजली पैदा होती है, जो लगभग 10 करोड़ वाट से 100 करोड़ वाट तक का हो सकता है। और यह जहां पर गिरता है वहां पर तबाही लाता है। किसी इंसान के ऊपर गिरने पर 1 सेकंड में मृत्यु हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने से मनुष्य का हार्ट रुक जाता है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जैसी घटना हो सकती है और यह पूरे शरीर को जला सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आकाशीय बिजली गिरने पर क्या करें। यदि आप खुले स्थान पर हैं तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान में शरण ले लें। दूसरा, यदि आप सफर में हैं, बंद गाड़ी में हैं, कार में हैं, तो अपने वाहन में ही बने रहें, उससे नीचे न उतरें। यदि आप जंगल में हैं तो ऊंचे पेड़, जो लंबे पेड़ हैं, उसके नीचे न रुकें। जो छोटे घने झाड़ी नुमा पेड़ होते हैं उसके नीचे में रुकें, क्योंकि जो ऊंचे पेड़ होते हैं वो बिजली को आकर्षित करते हैं। मेटल से बने चीज़ें, कृषि यंत्र, मशीन, डंडा आदि से अपने को दूर कर लें, उसे न छुएं। आकाशीय बिजली से घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की व्यवस्था करें। बरसात के दिनों में घर से बाहर जाने से पहले मोबाइल से मौसम की जानकारी ले लें। यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हैं और किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं जा सकते, तो वैसे कंडीशन में हो सके तो पैरों के नीचे कोई सूखी चीज़, जैसे कि सूखी लकड़ी, सूखा पत्ता, प्लास्टिक या बोरा वगैरह रख लें और दोनों पैरों को आपस में सटा लें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अपने सिर को जमीन की तरफ झुका लें। ऐसा करने से आप आकाशीय बिजली से बच सकते हैं। साथ ही अपने कान भी बंद कर लें और सिर को जमीन से न सटने दें, जमीन पर कभी न लेटें। आइए अब जानते हैं आकाशीय बिजली गिरने पर क्या न करें। आसमान से बिजली गिरने के दौरान इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप घर पर हैं तो खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे के समीप और छत पर न जाएं। पानी का नल और जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इत्यादि के नज़दीक न जाएं। बाथरूम में यदि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि नहा रहे हैं, कपड़ा साफ कर रहे हैं, तो तत्काल वहाँ से निकल जाएं। तालाब और नदी के समीप न जाएं। ऐसे स्थान जहाँ पर पानी भरा हो, ऐसे स्थान के नज़दीक में न रहें। बिजली के उपकरण या तार के संपर्क से बचें। मोबाइल का नेट बंद कर दें या हो सके तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और घर का जो मेन स्विच है उसको गिरा दें, जिससे कि जो बिजली के उपकरण है उनका बिजली से संपर्क टूट जाएगा। समूह में न खड़े हों बल्कि अलग अलग खड़े रहें। यदि बादल गरजने के दौरान कहीं पर आप किसी मकान के अंदर रुके हैं तो एक जगह समूह में इकट्ठा एक दूसरे से चिपक के न रहें, अलग अलग खड़े रहें। धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग न करें। ऊंची इमारतें, बिजली या टेलीफोन के खंभों के नीचे कभी भी शरण न लें। यदि आप बारिश के दौरान बाइक
या साइकिल में जा रहे हैं तो उससे उतर जाएं और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इन सब उपायों के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आकाशीय बिजली का शिकार होता है तो उसको जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। यदि वह व्यक्ति बेहोश है तो उसे CPR दें और तुरंत उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की व्यवस्था करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।